अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें इस महीने में बहुत सी रहमतों और बरकतों से नवाजे और हमें रिज़्क के हलाल अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। और हमारे फ़िलिस्तीन भाइयों की भी हिफाजत करें, उन पर अपनी रहमत करें। चलते हैं जी रेसिपी दर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जी आज ही आलू कीमा मटर की रेसिपी, झटपट रेसिपी है, फ़ौरन तैयार हो जाएगी, सबकी फेवरेट है। आधा किलो जी हमने बीफ ले लिया है और जी दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसको हमने काट लिया है। 13 से 14 जवे हमने लहसुन के ले लिए हैं। दो आलू ले लिए हैं, उसको हमने काट लिया है। एक कप हमने मटर ले ली हैं और 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले ली हैं और 1 टेबलस्पून भर के हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स लिया है और 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। अब जी हमने कुकर में बीफ ऐड कर दिया, उसमें हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं, स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं और हमने 1.5 लीटर पानी ऐड करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए बंद कर देना है। और उसके बाद जी मिलते हैं जी व्यूअर्स। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा कीमा बिल्कुल कुक हो चुका है और ये देखिए जी सारी चीज़ें अच्छी तरह मैश हो चुकी हैं और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और जी इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया, ये देखिए साइडों पे ऑयल आ चुका है। वीडियो पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई। तो खैर अब जी हमने इसमें मटर ऐड कर दिए और इसके साथ हमने आधा कप पानी ऐड किया। ये जो आवाज़ें आ रही हैं, आपने इस आवाज़ों को इग्नोर करना है और इस रेसिपी को इंजॉय करना है। मटर ऐड करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि जो मटर हैं वो हाफ कुक हो जाए। उसके बाद का स्टेप जो है वो बहुत ही इजी और आसान है। ये देखिए जी मैंने शेफ़ वालों की ये पतीली थी उससे यूज़ किया है आज सेकेंड टाइम। तो इनका रिव्यू तो मैं दे चुकी हूँ, इनके जो कुकवेयर सेट का जो रिव्यू है वो मैंने अपनी वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगी और आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। अब जी मटर हमारे बिल्कुल कुक हो, बिल्कुल नहीं हाफ कुक हो चुके हैं और इसके बाद मैं आलू ऐड कर दिए और आलू डालने के बाद हमने इनकी अच्छी तरह बुनाई की और जी ये बुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देना है और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे पहले जी हमने पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया और धनिया ऐड करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए और उसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएँगे। जी व्यूअर्स, तो अब हम ढक्कन उठाएंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या खुशबूएं आ रही हैं। और ये थी आज की रेसिपी। अब चलते हैं जी हम डिश आउट की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ये है जी फाइनल लुक और ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या ग्रेवी तैयार हुई है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।